ुशनरी मैस मोबिलइजेशन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रेवोलुशनरी मैस मोबिलाइजेशन मैस मोबिलाइजेशन मीन्स वेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे ट्राई टू स्ट्रगल फॉर समर्पज कोलेक्टिवली अगर मिलकर किसी एक खास स्पेसिफिक परपज़ या ऑब्जेक्टिव के लिए कोशिश करेंगे तो ये मैस मोबिलाइजेशन होगी और रेवोल्यूशन के अंदर तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है कि जहाँ लोग जो हैं वो uh, मिलकर कोशिश करेंगे बिकॉज़ फॉर सम स्कॉलर्स अ रेवोल्यूशन इज़ अ मैस मोबिलाइजेशन दैट इज़ सक्सेसफुल इन एक्म्पलिशिंग द गोल्स यानी रेवोल्यूशन कब आएगा जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो ही मिलकर कोशिश करेंगे तो एन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डेफिनेशन इज़

A protest kar hain hai. so sometimes uh, majority of the people they become the part of the protest actions. Because mass mobilization is defined as a process that engages and motivates a wide range of partners and allies at national and local level to raise awareness of and demand for a पर्टिकुलर डिवेलपमेंट ऑब्जेक्टिव थ्रू फेस टू फेस डायलॉग अब मेस मोबिलाइजेशन में जब लोग अपनी डिमांड के लिए एफर्ट करते हैं ठीक है जब वो एक कास्ट लेवल से आगे जाएंगे तो वो रेवोल्यूशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन इनिशियल लेवल पर उनका जो सारा प्रोटेस्ट है वो किस परपज़ के लिए होता है कि वो ये चाहते हैं कि अथॉरिटी उनकी बात सुने और उनके दरमियान एक डायलॉग शुरू हो जाए यानी लोगों के मुतालबात अथॉरिटी तक कम्युनिकेट हो और अथॉरिटी इन रिटर्न लोगों के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकाले समटाइम्स लोग जो हैं वो किस पर्पस के लिए कोशिश कर रहे होते हैं हम देख सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रेवोलूशनरी मैस मोबिलाइजेशन के इफ़ देयर इज़ अ पॉलिटिकल स्पेस यानी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पोलिटिकली कहीं पर कोई स्पेस या पोलिटिकल स्पेस कहाँ पर आती है अगर लोगों को प्रॉपर रिप्रजेंटेशन ना मिल सके लोग अपनी नुमाइंदगी के तरीक़ेकार से मुतमिन ना हों सेटिसफाइड ना हों तो ज़ाहिर है फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने पर कन्विंस हो जाते हैं दैन दर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इफ़ सॉरी सोसाइटी वाइड कंडीशंस अगर स्पेस है बहुत ज़्यादा कहाँ पर कि सोसाइटी के अंदर गैप्स हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर गैप्स कैसे आते हैं समटाइम्स दे कम थ्रू द क्लास सिस्टम इकनॉम ऑन द इकनॉमिक बेसिस समटाइम्स देयर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी एक स्पेसिफिक जो रेशियल है जो रेस होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है उसको कंसेशंस होती हैं और जो दूसरी नस्लें हैं उनको उस तरह से इम्पोर्टेंस uh, जो है सिस्टम में या पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन हासिल नहीं होती या अल्टीमेटली वी कैन से ड्यू टू द लेसर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द पॉलिटिकल सिस्टम विद द सोशल सिस्टम आल्सो, सो द पोटेंशियल ऑपोजिशन अगेंस्ट रूलिंग एलीट लेकिन एक बहुत इम्पॉटेंट फैक्टर है अगर गैप्स मौजूद हैं लेकिन एलिट अब लीडरशिप जो है वो अपने लोगों को इस बात पर कन्विंस कर ले कि दे आर ट्राइंग टू परस्यू ऑल द इश्यूज द दोज पीपल आर फेसिंग तो लोग जो हैं वो अपनी लीडरशिप पर ट्रस्ट करेंगे फॉलो करेंगे लीडरशिप को लेकिन अगर एलीट अपने लोगों के प्रॉब्लम्स से ख़ुद को एलियनेट कर ले एलीट उस तरीके से अपनी जो आ, जो शो करना चाहिए उसको लोगों के साथ एफिलिएशन वो शो ना करे तो ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा देन देर आर सर्टन कंपेलिंग रीजनस वट टाइप ऑफ रीजन्स दे आर एक तो सिस्टम के अंदर कुछ रीजनस मौजूद होती हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ ख़ास लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाकी लोगों को एकोमोडेट नहीं किया जा रहा इसी तरीके से एक और जो इकनॉमिक बेस्ड ग्रीवेंसेज होते हैं फिर सोशल एंड कल्चरल जो ग्रीवेंसेज हैं ये सब ग्रीवेंसेस मिलकर एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं और जब इस एन्वायरमेंट के अंदर लोगों को अपनी एडजेस्टेबिलिटी नज़र नहीं आती लोगों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती तो देन ड्यू टू द लैक ऑफ सिस्टम टुवर्ड्स द टूवर्ड्स टुवर्ड्स देयर लीडरशिप फिर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पर कन्विंस हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ये समाइम्स it converts into mass mobilization and sometimes into revolution.